साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रजीत केवीएस में। पहले तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चारों शिफ्ट में पेपर जो है संपन्न करा लिया गया है आयोग द्वारा। आज हम सभी बिंदु पर बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और कितने परसेंट बच्चों ने यह एग्जाम दिया है और कट ऑफ जो रहेगी फिजिकल के लिए कितनी जाएगी। इन सभी बिंदुओं पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। साथियों देखिए, तो साथियों एक दिन में जो है दो शिफ्ट थी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को यह आज जो है एग्जाम संपन्न करा लिया गया है। तो साथियों पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो है ना तो हार्ड था और ना ही इजी था। एक तरीके से पेपर का लेवल एक मॉडरेट तरीके से था, ना उसे हम हार्ड कह सकते हैं और ना ही हम उसे इजी कह सकते हैं। ना तो पेपर कठिन था और ना ही पेपर जो है आसान था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। सभी बच्चों ने जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा, जीएस में तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, जिनका मैथ रीजनिंग और हिंदी अच्छा था वो पेपर को निकाल ले गया है। साथ ही उपस्थिति की बात करें तो उपस्थिति जो है अगर हम 3 शिफ्ट की उपस्थिति देखें अब तक जो है उपस्थिति लगभग 90% रही है। 90% इसलिए रही है क्योंकि जो है गृह जनपद मिलने के कारण उपस्थिति ज्यादा रही है। उसके बाद बहुत सालों बाद भर्ती आई थी और ज्यादातर बच्चे जो है अपने गृह जनपद में ही थे, कुछ बच्चों को अलग जनपद में भेजा गया था। तो साथियों उपस्थिति जो है लगभग 90% रही है। 60,000 पदों पर यह भर्ती थी। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में लगभग 5 से 6 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। 5 से 6 लाख बच्चे काफी होते हैं। और कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ क्या जाएगी तो साथियों आ जाइए कट ऑफ देख लेते हैं। अगर जिस साथी के भी जनरल की बात करें 105 क्वेश्चन ठीक हो गए होंगे नेगेटिव मार्किंग हटाकर, उसको जो है फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। जनरल की बात करें साथियों, अगर ओबीसी की बात करें तो 102 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं नेगेटिव मार्किंग हटाकर तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की जो है कट ऑफ जो है लगभग सेम ही रहेगी, 102 क्वेश्चन। साथियों अगर एससी की बात करें तो एससी जिसके 95% ठीक हैं नेगेटिव मार्किंग को हटाकर तो उसका जो है फिजिकल के लिए सिलेक्शन पक्का है। एसटी की बात करें तो एसटी में जो है जिसके 85% ठीक हैं नेगेटिव मार्किंग को हटाकर उसका सिलेक्शन पक्का है। और हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जिसके जो है 100% ठीक हो रहे हैं वे अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर लें, ठीक है साथियों। ये कट ऑफ है, जिसके भी इस रेंज में नंबर बन रहे हैं, जिसके इतने सवाल ठीक हैं वो अभी से जो है अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से संपन्न करा लिया गया है, पेपर लीक की कोई खबरें ऐसी नहीं है अभी तक साथियों, ठीक है। अभी से ही अच्छे से जो है फिजिकल की तैयारी कर लें, फिजिकल के लिए काफी समय मिलेगा। जिन साथियों के भी इतने जो है क्वेश्चन ठीक हैं वे जो है अभी से ही फिजिकल की तैयारी में जुट जाएं। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त चंद्रजीत सिंह, धन्यवाद।